यूपी में सरकार बदल चुकी है और सत्ता में आने से पहले बीजेपी सरकार ने जनता से वादा किया था कि वो यूपी में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। हालांकि सरकार इस पर ध्यान भी दे रही है, लेकिन फिर भी कानून के रखवाले सरकार के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। मामला प्रदेश के श्रीवस्ती का है, जहां घर में शौचालय की दीवार उठाने का काम कर रही 10 साल की नाबालिग लड़की से एक शख्स ने छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करना तो दूर, मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। वो मेरे घर काम करता रहा और मैं उसको ईटा पकड़ा रही थी, मेरा दोनों हाथ पकड़ के मेरे चलते भाई ने मेरा शोर मचाया मेरा भाई देखा तब हल्ला क्या हुआ तो हमारे बिटिया साथे की नहीं है कि तो उनकी ओका बेइज्जती करा चाहिए थे बिटिया खमरे तो थोड़ी लड़का हमारा देख ले सी कौन करना चाहिए तब लड़के बिटिया खमरे जान बचा है। हम घर पे नहीं थे, हमारे लड़की के साथ छेड़खानी किया जाकिर मिस्त्री ने, दुरा अत्याचार के करने की प्रयास किया। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार थाने के चक्कर काट कर थक चुका है, लेकिन फिर भी किसी पुलिस वाले को इस परिवार पर तरस नहीं आ रहा। अब देखना ये होगा कि नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी को पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है।